नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का आज चौथा दिन, पहली पाली में इंग्लिश तो दूसरी में हिंदी की परीक्षा, अब तक 135 छात्र निष्कासित। कानपुर में नाले में गिरी कार, 6 की मौत, तिलक समारोह से लौट रहा था परिवार, पुलिस ने 2 बच्चों को बचाया। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में है फैक्ट्री, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ी पहुंची, आग पर पाया गया काबू। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे, ऑपरेशन लोटस के डर से चार्टर्ड प्लेन से भेजा, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण आज, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देंगे, बीजेपी ने पार्टी के सभी सांसदों को संसद में रहने को कहा। 4,500 गुना बड़ा हो गया यूपी बजट, पहला बजट 149 करोड़ का, अब की बार 7.5 लाख करोड़ पार होगा, एक सीएम ने 11 बार पेश किया। रेवाड़ी रिश्वत कांड में सब इंस्पेक्टर भी पकड़ा, पीड़ित से 30 लाख और फॉर्चुनर मांगी थी, सीआईए इंस्पेक्टर 4.25 लाख लेते हो चुका गिरफ्तार। आज से भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म, बीएनएमयू में 2 साल विलंब से चल रहा एमएड का सत्र, आधे से भी कम छात्रों ने लिया नामांकन। छत्तीसगढ़ में 44 आईएपीएस अफसरों का तबादला, 25 जिलों के एसपी बदले, पिछली सरकार में लूप लाइन में रहे अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी, दागी साइडलाइन। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे, ई विधान ऐप पर मिलेगी पूरी जानकारी। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।